हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दी हसलर्स। सो आज बात करने वाले होंगे यार हम वर्चुअलाइजेशन के बारे में, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो यार आप एक मैक यूज़र हो, ठीक है, आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हो, लेकिन किसी वजह से आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना पड़ रहा है। मे बी बिकॉज आपको कोई एक ऐप इस्तेमाल करनी है, मे बी बिकॉज कोई भी रीज़न हो सकता है यार। सो देर आर टू वेज, ठीक है। पहला कि आप जाके पूरी फिजिकल मशीन लेके आ जाओ विंडोज़ की, जो कि आपको कॉस्टली पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, और बेफालतू में यार आप एक ऐसा रिसोर्स लोगे जिसका आपको आगे कोई काम नहीं होगा। आप विंडोज़ सिर्फ अपने एक छोटे से काम के लिए यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो एक पूरी फिजिकल मशीन खरीदना आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा यार, कोई काफ़ी ज़्यादा अमीर है तो ले सकता है, बट जो सेकेंड ऑप्शन है और जो दी बेस्ट ऑप्शन है वो है वर्चुअलाइजेशन। अब अगर बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन की, सो वर्चुअलाइजेशन इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू यूज़ अ फिजिकल मशीन्स फुल कैपेसिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स कैपेबिलिटी अमंग मैनी यूजर्स और एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है यार बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है वो फिजिकल मशीन जो है उसके सारे रिसोर्सेज को यूज़ करती है, लेकिन एक्चुअल में हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, ये रियल एनवायरनमेंट नहीं होता है। सो सॉफ्टवेयर्स कॉल्ड हाइपरवाइजर्स वो सेपरेट करते हैं यार आपके फिजिकल रिसोर्स को इन वर्चुअल एनवायरनमेंट से। तो सपोज करो यार आपका एक फिजिकल रिसोर्स है जिसके ऊपर हाइपरवाइजर नाम का एक सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया है, ठीक है, और उसके ऊपर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को रन कर सकते हैं। तो हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी फिजिकल मशीन को इन वर्चुअल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, ठीक है। सो दीज वर्चुअल एनवायरनमेंट्स आर नॉट रियल, फिर से बताना चाहता हूँ, ये एक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट्स होते हैं जो बेसिकली आपके लैपटॉप के या आपके कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दे विल यूज़ योर सिस्टम्स हार्डवेयर लाइक सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ये तीनों रिसोर्सेज आपके ही कंप्यूटर के इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑब्वियस बात है यार सीपीयू, रैम या स्टोरेज वो उतनी ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी आपकी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी हो, ठीक है। तो आप एक मशीन पे कितने भी वर्चुअल मशीन्स रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक मैक यूजर, आप उसके ऊपर विंडोज रन कर सकते हो, आप उसके ऊपर लिनक्स का उबंटू, ठीक, ये सब रन कर सकते हो, आप और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी उस मशीन पे रन कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी फुल कैपेबिलिटी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, एक्सीड ना हो रही हो वो कैपेबिलिटीज उनकी, तब तक आप कितने भी वर्चुअल एनवायरनमेंट्स अपनी एक मशीन पे रन कर सकते हो। सो इसलिए यार मैं कह रहा था कि एक फिजिकल मशीन लेना बेकार है, इंस्टेड ऑफ आप उसकी जगह पे एक वर्चुअलाइजेशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम और एक मशीन के ऊपर रन कर सकते हो। अगर बात करते हैं हाइपरवाइजर्स की, तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर्स अवेलेबल हैं। टाइप वन हाइपरवाइजर्स विच इज ऑल्सो नोन एज बेयर मेटल हाइपरवाइजर्स एंड टाइप टू हाइपरवाइजर्स विच इज नोन एज होस्टेड हाइपरवाइजर्स। अब इसे इंडिविजुअली समझते हैं। तो टाइप वन हाइपरवाइजर्स के अंदर क्या होता है यार, बेसिकली आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका बेयर मेटल है, इसके ऊपर ही डायरेक्टली हम क्या सेटअप कर देते हैं अपने हाइपरवाइजर को, आपका कोई होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पर, हम पूरे बेयर मेटल के ऊपर ही अपना सेटअप कर दे रहे हैं हाइपरवाइजर को। इसके ऊपर यार हम डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को रन कर रहे होते हैं, तो ये डायग्राम जो है यार अपने आप में पूरा परफेक्ट है हाइपरवाइजर्स को समझाने के लिए, दैट इज़ टाइप वन हाइपरवाइजर्स और वी कैन कॉल इट बेयर मेटल हाइपरवाइजर्स। सो अगर बात करते हैं यार एग्जाम्पल्स की, तो हमारे पास VMware, vSphere, ESXi काफ़ी ज़्यादा फेमस हाइपरवाइजर है यार ये। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी नाम का भी एक हाइपरवाइजर है, ये भी काफ़ी फेमस है, और ये सारे टाइप वन हाइपरवाइजर्स हैं। इसके बाद बात करते हैं यार टाइप टू हाइपरवाइजर्स की, तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपका सबसे पहले बेयर मेटल यानी कि कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर आपका एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मैक यूज़र हो तो आपका मैक ओएस एक्स या फिर मैक ओएस जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा होस्ट, ठीक, उसके ऊपर यार हम क्या सेटअप कर रहे होते हैं अपना हाइपरवाइजर सेटअप कर रहे होते हैं, ठीक है, इसके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए। तो ये टाइप टू एनवायरनमेंट के अंदर हम होस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है, हम बस क्या कर रहे होते हैं उसके ऊपर एक हाइपरवाइजर की लेयर लगाते हैं और एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स हैं उसके ऊपर रन कर सकते हैं। तो यार अगर बात करते हैं हम कुछ टाइप टू हाइपरवाइजर्स के एग्जांपल की, तो हमारे पास है VMware वर्कस्टेशन फ्यूजन। इसके अलावा जो बहुत ही ज्यादा फेमस है जो कि मे बी आपने सुना हो, उसका नाम है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, इट्स अ वेरी गुड हाइपरवाइजर। इसके अलावा यार पैरेलल्स है जो कि सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। सो आई होप आपको टाइप वन एंड टाइप टू दोनों हाइपरवाइजर्स बिल्कुल समझ में आ गए हों। तो अब बात करते हैं यार कि मेनली जो वर्चुअलाइजेशन है वो कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला यार सर्वर वर्चुअलाइजेशन,
तो बेसिकली आप एक ऐसे समझ सकते हो एग्जांपल से कि लाइक एक कंपनी है, ठीक है, उसके तीन सर्वर्स हैं, एक मेल सर्वर है, एक वेब का सर्वर है और एक लिगेसी ऐप का सर्वर है। तो ये तीनों सर्वर्स यार अपनी 30% कैपेसिटी पे यूज़ हो रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो यार कि सिर्फ 30% कैपेसिटी पे ये सर्वर यूज़ हो रहे हैं एंड लाइक कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स मैनेज करने पड़ेंगे, कॉस्टिंग देनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स की। हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो मेल सर्वर है उसके अंदर ही वर्चुअल वे में हम लिगेसी ऐप के सर्वर को भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 30% दोनों यूज़ हो जाएंगे और अब भी यार हमारा जो सर्वर है उसकी फुल पोटेंशियल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम सर्वर की सिर्फ 60% ऑफ पावर आप कह सकते हो कि यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हमने तीन सर्वर से हम दो सर्वर पे आ गए। अब इसका फ़ायदा क्या है यार, कंपनी को बेसिकली अफोर्डेबिलिटी मिलती है। मेन मुद्दा यही है इस बात का करने का कि हमें सर्वर कॉस्टिंग कम पड़ रही होती है, हम अपनी मशीन को फुल पोटेंशियल पे रन करा रहे होते हैं एंड वर्चुअलाइजेशन का मेन मोटिव यार यही है। इसके अलावा यार हम क्लाउड एंड डेटा सेंटर्स के अंदर भी वर्चुअलाइजेशन का यार बहुत ज़्यादा मेन रोल हो रहा होता है। जब क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड से रिलेटेड वीडियो बनेगी तो यार मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम क्लाउड के अंदर भी यूज़ करते हैं वर्चुअलाइजेशन सिस्टम का, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझ लो कि क्लाउड के और डेटा सेंटर्स के अंदर भी हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आई होप यार आपको ये वीडियो बहुत तगड़ी लगी हो, आपको वर्चुअलाइजेशन कुछ ना कुछ हद तक समझ में आ गया हो। एज अ टॉपिक वर्चुअलाइजेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है यार। इस वाली वीडियो में सिर्फ मैंने एक आपको ग्लिम्स दिया है, एक ऊपर ऊपर की पिक्चर दिखाई है वर्चुअलाइजेशन की। सो अगर आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में और जानना है तो फील फ्री टू रीड द आर्टिकल ऑन रेड हैट की वेबसाइट, ठीक है। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वहां पर से आप अच्छी तरीके से वर्चुअलाइजेशन के बारे में और जान सकते हो। लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो यार कमेंट डाउन कि आगे आपको और कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है। यार आपको एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग, बाय।